सो हेलो गाइस, वेलकम टू VVCR चैनल। एंड आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली वेगना के बारे में, जो कि हमें स्ट्रेंजर थिंग के 4th सीजन में दिखाया गया। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉइलर फ्री नहीं है, तो इससे सावधान हो जाए। सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें ये पता चल गया था कि आज भी अप्स एंड डाउन में एक मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है माइंड फ्लेयर के अलावा। एंड आगे जैसे जैसे सीरीज़ बढ़ने लगती है, हमें उस मॉन्स्टर का नाम भी पता चलता है। तो उसका नाम होता है वेगना, जो कि काफ़ी सारे ऐसे पोर्टल खोल रहा होता है, जिससे काफ़ी लोगों को पोजेस कर काफ़ी टीनेजर्स का मर्डर भी कर देता है। एंड यही स्टोरी आर्क आगे जैसे जैसे बढ़ने लगती है, काफ़ी ज़्यादा हॉरर एलिमेंट भी इससे जुड़ने लगता है। एंड इसके बाद हमें वेगना का ओरिजिन भी दिखाया जाता है। तो वेगना की स्टार्टिंग होती है जब वो चाइल्डहुड में होता है। तो विक्टर जो फैमिली होती है, जब वो अपने नए घर में आती है हॉकिंग शहर में, तो हमें पता चलता है कि उसे काफ़ी सारे ऐसे इल्यूजन्स मिलने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि कोई काला साया उनके पीछे पड़ा है। बट जब हमें सीरीज के आखिरी में पता चलता है कि दरअसल उसका जो एक लड़का होता है, उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर होती है, जो कि अपने मॉम डैड एंड सिस्टर को ऐसे इल्यूजन्स दिखाता है कि उसने कैसे कैसे पास्ट में जो जो काम किए होते हैं वो उसे दिखने लगते हैं। एंड इसके बाद वो उन दोनों को मार देता है। एंड विक्टर जो होता है उसका डैड, उसके ऊपर पूरा इंजाम डाल देता है और वो खुद भी कोमा में चले जाता है ज़्यादा पावर यूज़ करने के कारण। एंड हमें पता चलता है कि जो हमारे डॉक्टर है, वो उस लड़के को लेकर चल जाते हैं अपने लैब में। एंड वहीं पर उसके साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं एंड उस पर स्टडी करते हैं कि कैसे ऐसे और सुपर ह्यूमंस और ऐसे सुपर चाइल्ड्स क्रिएट कर सकें। एंड यहीं से उस लैब की स्टार्ट भी होती है। एंड उस बच्चे का नाम पड़ता है 001। जी हाँ, हमारे 11 की तरह वो भी फर्स्ट चाइल्ड होता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होती हैं। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि 001 वहाँ पर काम करता है। एंड काफ़ी साल ऐसे बीत गए होते हैं। एंड फिर जब 11 को डॉक्टर वापस लेकर आते हैं लैब में, तो उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो पास्ट में चली जाती है। एंड वहाँ हमें पास्ट की स्टोरी देखने मिलती है कि कैसे 001 और 11 एक साथ मिले थे एंड वो उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। जी हाँ, हमें जो ट्रेलर की स्टार्टिंग में खून खराबा दिखाया गया था, वो दरअसल 11 ने ना कर 001 ने किया होता है। एंड उन दोनों की फ़ाइट के बीच में अचानक से ही 11 एक पोर्टल खोल देती है अप्स एंड डाउन का, जिसमें 001 खींचा चला जाता है। एंड वहाँ ही उसे माइंड फ्लेयर कब्जे में ले लेता है एंड वहाँ से उसे वो वेगना की पावर मिलती है। एंड हमें उसके बाद ही पता चलता है कि दरअसल 001 ही वेगना है, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर के साथ साथ अब माइंड फ्लेयर की भी पावर है। एंड इसके बाद जो Volume 2 आने वाला है, उसमें भी हमें वेगना और 11 के बीच में काफ़ी बड़ा एक फाइट देखने मिलेगी, जो कि हो सकता है हमें आगे के शोज को और भी ज़्यादा कनेक्ट करे, क्योंकि इसके बाद भी 5th सीजन भी आने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है, तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में आए वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।